नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। ढोल बजते रहे, कौवे उड़ते रहे, बाद में किसी ने गुलेल चला दी तो बोले वे ढोल से नहीं इसी गुलेल से बचने के लिए उड़े थे। यानी उड़ते कौवे और पाकिस्तान के तहमन त्रासों में कोई भी फर्क नहीं है। पेरिस में संपन्न हुई एफएटीएफ की बैठक में शुक्रवार को जब उसके ग्रे सूची में बने रहने की घोषणा हुई तो उस पर भी इन्होंने गधैया नृत्य कर डाला। उनके इस नाच की वजह जानी तो पता चला कि भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वे उन्हें ब्लैक लिस्ट नहीं करा सका। यह पाकिस्तान की भारत पर बहुत बड़ी जीत है। ऐसे जश्नों के लिए यह मदरसा पैदाइश मशहूर है। ये कभी नहीं देखते कि इनकी तसरी पर उगी कांटों की फसल इनके ही तहमंद फाड़ रही है। तहमंद लहराना, टोपी उछालना और कूड़े भटकाना इन्हें भड़वा जमात की श्रेणी से अलंकृत करता है। बालाकोट की चोट पर भी इन्होंने अगले हफ्ते जश्न मनाने की घोषणा की है। 1965 और 1971 में जब इनको बढ़िया से ठोका गया था, ये उस पर भी जश्न मनाया करते हैं। हालत यह है कि इनकी सेना बेमतलब में 2 किलो पीतल छाती पर लटकाए घूम रही है। आज तक दुनिया को समझ में नहीं आया कि इन अहमक लोगों को मेडल किस खुशी में मिले हैं। इन्हें लगता है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहना पाकिस्तान के लिए गौरव की बात है। मानो इनकी उत्पत्ति ऐसे ही तमगे प्राप्त करने के लिए हुई है। 2 दिन पहले ही मानव विकास सूचकांक में इन्हें 152वां स्थान मिला है। यह उसे भी उल्टा करके देख रहे हैं। कहा गया है देखिए भारत को 129वां नंबर ही मिला है, जबकि पाकिस्तान उससे ज्यादा नंबर पा गया। यानी अंडे खान के चूजों ने इसे भी वनडे क्रिकेट का स्कोर समझ लिया। जश्न इसलिए नहीं मना क्योंकि इसे समझने के लिए इन्हें 2 दिन का वक्त जरूर लगेगा, पर गधैया नृत्य और बकरी कुदान दोनों में से एक जरूर होगा। दरअसल इस मुल्क की बुद्धि मदरसों में गर्दन पटकने से ढीली हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बाकी थी वह इन्होंने तहमद में पैबंद लगाने में नष्ट कर दी। इन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि ग्रे लिस्ट में रहने का खामियाजा पाकिस्तान को महंगाई और बेरोजगारी के रूप में चुकाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर आ जाता तो उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मदद मिल सकती थी, जो पाकिस्तान के बदतर हालातों को ठीक करने में काफी मददगार होती। विदेशी निवेश के रास्ते खुल सकते थे, पर चूंकि इनका स्वभाव शांत रहने वाला नहीं है, यह ऐसी हरकतों के लिए दुनिया में जाने जाते हैं, इसलिए ग्रे सूची में रहने पर जश्न मनाए जा रहे हैं। वैसे भी यह अपनी हर कुंठा को भारत से जोड़कर देखते हैं। यानी मुल्ला की दौड़ मस्जिद की बजाय भारत में खत्म होती है। भारत ने आईपीएल शुरू किया तो आज पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है, पर मजे की बात यह है कि उसमें पाकिस्तान के मदरसों के लोंडे ही खेल रहे हैं। आईपीएल जैसी लोकप्रियता उसे 5वां सीजन होने पर भी नहीं मिल पाई है। हालत यह है कि दर्शक दीर्घा खाली पड़ी है। टिकट टमाटर से सस्ते हैं, पर उलझन यही है कि पहले टमाटर खरीदे या पीएसएल के टिकट खरीदे जाए। यानी जिस जनता को महंगाई से निजात दिलाने की कोशिश करनी थी, उनके गले में पीएसएल का ढोल डालकर नचाया जा रहा है। कल इमरान लोंडे ने एक बार फिर साबित किया कि उसे पाकिस्तान से ज्यादा कश्मीर की चिंता है। बेल्जियम के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत की मोदी सरकार से 370 को बहाल करने की उम्मीद नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में आई तो वह जरूर कश्मीर मसले का समाधान कर सकती है, जबकि स्थिति यह है कि कश्मीर के लोग 370 हटने से खुश हैं, मगर इमरान खान को इसका भी दुख है। यूं भी इमरान खान ने जब से सलवार पहननी शुरू की, पाकिस्तानियों के तहमंद एफिल टावर पर लटक गए हैं। यहां केवल इमरान ही नहीं बल्कि पूरी मदरसा कौम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की पुरानी आदत के घोड़े पर सवार है। अब अगर इमरान को कांग्रेस से अनुच्छेद 370 लगाने की उम्मीद है तो उनकी सोच को जरूर दाद देनी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि वह भाजपा को छोड़ बाकी सभी दलों को पाकिस्तान के सुजद्दक दलों के रूप में देखते हैं, जबकि भाजपा शासन में सबसे ज्यादा एक्शन इमरान के कार्यकाल में पाकिस्तान भरी हुए हैं। शायद इसीलिए इमरान की घबराहट कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है।